हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। द टर्म क्रोमोसोम वॉज क्वाइंड बाई, क्रोमोसोम टर्म किसने दिया था? पहला है सर्टेन, बी बोवेरी, सी वॉल्डेयर या डी हॉपमेस्टर। राइट आंसर है आपका वॉल्डेयर, सी वॉल्डेयर ने टर्म क्रोमोसोम दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल? ए 14, बी 46, सी 23 एंड डी 20। तो यहाँ पे पूछा गया है कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स नहीं पूछा गया। तो कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। अगर पेयर का बात करें तो 23, बट पेयर नहीं पूछा गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा गया है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग में कितने पेयर ऑटोसोम्स और कितने पेयर सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पेयर्स की बात है, तो ये हमें पता है कि टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 पेयर। इसमें 22 पेयर जो होता है ऑटोसोम्स होता है, ऑटोसोम्स, एंड वन पेयर जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम? क्वेश्चन है, क्या स्टेटमेंट सही है क्रोमोसोम के एंड के बारे में? जो क्रोमोसोम का एंड होता है उसके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? पहला है, द एंड ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड सेटेलाइट। जो क्रोमोसोम का एंड होता है उसको सेटेलाइट बोलते हैं, ये गलत है। बी, द एंड ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड सेंट्रोमियर, ये भी गलत है। द एंड ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड टीलोमियर, ये सही है। क्रोमोसोम के एंड को क्या बोलते हैं? टीलोमियर। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ द क्रोमोसोम? क्रोमोसोम का शेप कैसा होता है? वी शेप्ड, बी ऑप्शन है ट्राइंगुलर शेप्ड, सी है सॉसेज शेप या डी है क्यूब शेप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सॉसेज शेप। सॉसेज शेप का होता है क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेक्स क्रोमोसोम पेयर इन मेल कॉन्टेंट विच टू क्रोमोसोम? मेल में कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है? ऑप्शन गिवेन है XX, YY, XM या नॉन ऑफ द एबव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, नॉन ऑफ द एबव। कैसा होता है? XY होता है, ऑप्शंस में गिवन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? पहला है, द जेनेटिक मटेरियल लाई विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। बी है, द 20 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर नोन एज ऑटोसोम। ये सही स्टेटमेंट है, नॉट ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, कौन सा सही नहीं है? बी सही स्टेटमेंट है सी, जीन कंटेंट कोड दैट मेक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन, ये भी सही है। डीएनए स्ट्रैंड टू स्ट्रैंड, ये भी डीएनए टू स्ट्रैंड का बना होता है। तो यानी पहला सही नहीं है। पहला क्या है, द जेनेटिक मटेरियल लाई विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में नहीं प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिक्चर ऑफ पर्सन्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड एन। अ पिक्चर ऑफ पर्सन्स क्रोमोसोम और कॉल्ड कैरियोटाइप। कैरियोटाइप को बोलते हैं अ पिक्चर ऑफ द पर्सन क्रोमोसोम।
ठीक है। एन एनिमल हैज़ 40 क्रोमोजोम इन द गैमेट। एक एनिमल है जिसमें 40 क्रोमोजोम एक उसके गैमेट में प्रेजेंट हैं। हाउ मेनी क्रोमोजोम वुड यू एक्सेप्ट टू फाइंड इन दिस एनिमल्स ब्रेन सेल्स। तो ब्रेन सेल्स में कितने क्रोमोजोम प्रेजेंट होंगे? गैमेट में एन 40, 2N40 है, सॉरी, 40 है, 40 गिवन है गैमिट। तो जाइगोट जो फॉर्म करेगा वो कितना फॉर्म होगा? जाइगोट 2N होता है, ये हो गया एन इक्वल टू 40, तो आपका 2N इक्वल टू कितना होगा? 80। ये क्या होगा आपका? गैमिट था, ये जाइगोट हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, टू एलील फॉर पी प्लांट हाइट आर डेजिग्नेटेड टॉल, कैपिटल टी टॉल एंड स्मॉल टी डॉफ। द एलील आर फाउंड ऑन जीन्स, सेक्स क्रोमोजोम्स, राइबोसोम्स या होमोलोगस क्रोमोजोम। तो आपका डी हो जाएगा, होमोलोगस क्रोमोजोम पे ये एलील्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इफ पर्सन रिसीव एन एक्स एंड वाई क्रोमोजोम दैट पर्सन इज, इफ पर्सन रिसीव एक्स एंड वाई, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेल। बी ऑप्शन इज करेक्ट। Each क्रोमोजोम consist ऑफ टू आइडेंटिकल जीन्स, बी ऑप्शन है न्यूक्लियाई, सी ऑप्शन है क्रोमैटिड या डी ऑप्शन है बेसिस। आपका राइट हो जाएगा सी, क्रोमैटिड। इच क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल क्रोमैटिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेक्शन ऑफ क्रोमोजोम दैट कोड फॉर अ ट्रेट्स कैन बी कॉल्ड एन। ऑप्शंस आपके गिवेन है, न्यूक्लियोटाइड्स, बेस पेयर, जीन्स या न्यूक्लियस। जीन, जीन इज अ राइट ऑप्शन। अ सेक्शन ऑफ क्रोमोजोम दैट कोड फॉर द ट्रेट्स इज कॉल्ड जीन। ठीक है, हाउ मेनी सेक्स क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स? कितने पेयर्स प्रेजेंट होंगे? आपको पता है टोटल क्रोमोजोम जो होते हैं 23 पेयर्स होते हैं, उसमें से ऑटोसोम्स 22 एंड वन पेयर सेक्स क्रोमोजोम। तो आपका वन पेयर इज राइट आंसर। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द क्रोमोजोम्स? गिवन ऑप्शंस है, फ्लेमिंग, बी है बॉल्डेयर, सी स्ट्रासबर्ग या डी और मिस्टर्स। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया ऑब्जर्व और वो टर्म पूछा गया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द क्रोमैटिन कंपोजिशन? क्रोमैटिन किस किस चीज से मिलकर बना होता है वो बताना है आपको। डीएनए, डीएनए बिल्कुल होगा, आरएनए, आरएनए भी बिल्कुल होगा, डीएनए एंड प्रोटीन भी होगा, बट डीएनए आरएनए प्रोटीन तीनों होता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीनों प्रेजेंट होता है ये। हाउ मेनी ऑटोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स? पता होना चाहिए आपको, 22 पेयर्स टोटल, 23 होते हैं, 22 ऑटोसोम्स होते हैं और वन पेयर सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द डीएनए थ्रेड्स विच अपीयर इनसाइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ऑप्शंस गिवन है, स्पिंडल फाइबर्स, बी सेंट्रियोल्स, ए एस्टर्स एंड डी क्रोमोजोम्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम। ठीक है,
सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रोमोसोम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर क्लास ऑफ क्रोमेटिन प्रोटीन? क्रोमेटिन प्रोटीन का कौन सा मेजर ग्रुप नहीं है? हिस्टोन हो गया, हिस्टोन होगा, होता है, टोपोइसोमेरेज भी प्रेजेंट होता है, एसएमसी प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, कोइसिन प्रोटीन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन बाइंड टू लिंकर डीएनए? कौन सा हिस्टोन प्रोटीन जो डीएनए को एज अ लिंकर डीएनए बाइंड करता है? H1 का काम होता है लिंकर डीएनए, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीट्स ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रक्चर? गिवन गिवन ऑप्शन है क्रोमोसोम्स, बी क्रोमेटीन, सी न्यूक्लियोसोम्स एंड डी हेट्रोक्रोमेटीन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स होता है, सॉरी न्यूक्लियोसोम्स। व्हाट इज द रिलेशनशिप अमंग डीएनए, अ जीन एंड क्रोमोसोम्स? गिवन ऑप्शन है आपका, अ क्रोमोसोम कंटेंट 100 ऑफ जीन। सही बात है, क्रोमोसोम क्या करता है, बहुत सारे जीन कंटेंट करता है, और वो जीन किसके बने होते हैं, डीएनए, विच आर कंपोज ऑफ डीएनए। यही ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। मीन्स क्रोमोसोम जो होते हैं डीएनए कंटेंट करते हैं, सॉरी जीन कंटेंट करते हैं, और वो जीन किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों रिलेशन करेक्ट है। क्रोमोसोम फाउंड इन सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसोफिला इज? गिवन ऑप्शन है आपके, पॉलीटीन, लैम्ब्रस, सुपरनेट मेरियर एंड बी क्रोमोसोम, तो आपका राइट हो जाएगा पॉलीटीन, ए ऑप्शन जो पॉलीटीन है। क्रोमोसोम फाउंड इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ जो ड्रोसोफिला होता है उसके सलाइवरी ग्लैंड में कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, पॉलीटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, लैम्ब्रस क्रोमोसोम अकरिन, लैम्ब्रस क्रोमोसोम जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है या कहाँ पाया जाता है, ऊसाइट्स, कैंसर सेल, लिम्फ ग्लैंड्स या सलाइवरी ग्लैंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सलाइवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेंट्रोमियर इज द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम वर? गिवन ऑप्शन है निकिंग आकर, क्रोमेटिड आर अटैच्ड, न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड या डी ए क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमेटिड आर अटैच्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच।